गुड इवनिंग दोस्तों, अभी हम आए हैं अपने भैया के घर, बड़े भैया के घर, सांप रेस्क्यू करने के लिए। तो उनके आप देख सकते हैं किचन में जो है, अभी भाभी खाना बना रही थी तो अचानक से सांप दिख गया। तो आइए दिखाते हैं सांप कहाँ पे है। आप यहीं से बोलिए, सांप जो है बस चूल्हा के नीचे बैठा हुआ है। हाँ, एक डब्बा होगा, डब्बा उसको डब्बा अरेंज कर दीजिए, हम निकाल देते हैं सांप को। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक, वो देखिए ना, वो डब्बा हो गया नीचे, निकाल लीजिए। हाँ, इसको बाहर कीजिए। देखिए अब हम सांप निकालते हैं। आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सांप, ये है धामन सांप, पूरा एकदम एग्रेसिव मोड पे है, गुस्सा एकदम काटने के लिए पूरा एकदम ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं रैट स्नेक, बहुत कोई बोलता है इसको राजधानी एक्सप्रेस। ठीक, चलिए थोड़ा सा बाहर चलिए, इसको डब्बा लिए है ना। ये है सांप, एकदम नॉन वेनमस है, थोड़ा सा भी ये नहीं है, जहरीला नहीं है। आप भाग गए ऊपर देख के, झामनी है ना बाबू। हाँ, ये काटता नहीं बाबू? काटता है भैया, काटता है, बहुत बार काट चुका है, लेकिन ये जहरीला नहीं है, थोड़ा सा भी जहर नहीं है इसमें। हाँ। काटता बहुत तेज है। हाँ। लेकिन जहर नहीं है। हाँ। इंसान को कोई नुकसान नहीं है। इसको जैसे बोलता है ये दूध पीता है। हाँ। चाहे पुच्छी में जहर होता है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, आपके पास प्रैक्टिकल है, छू के देख सकते हैं। हाँ। किसी भी तरह से खजर खुट कर रहे हैं, सड़क कहा है। ये जो आपके घर में घुसा सिर्फ और सिर्फ चूहा के लिए। हाँ। हाँ। और ऐसा कोई बात नहीं कि और किसी वजह से, बहुत सारे लोग बोलते हैं भेज दिया। हाँ। हमको हंसी भी आता है, मतलब बहुत सारे लोग सांप को भेज दिया, ऐसा कोई बात नहीं। पैक कर देते हैं इसको। हाँ। दे ढक्कन। इसको क्या करेगा? दीजिए ढक्कन। इसको क्या करेगा? देखिए सांप को सभी लोग अक्सर पूछा करते हैं कि सांप हम क्या करते हैं। हाँ। शायद वो लोग जो ये सवाल पूछते हैं वो मेरा YouTube फॉलो नहीं किए, सब्सक्राइब चैनल नहीं किए। तो आप लोग मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जितेंद्र हजारी नाम से। वहाँ पे हम एक बार में लगभग 25 गो, 30 गो, 22 गो, 20 गो, हमेशा सांप को जो है जंगल में, शहर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर, जंगली एरिया, पूरा पहाड़, कोई घर द्वार कुछ ना हो, वहाँ पे ले आके हम सारा सांप को छोड़ देते हैं। आपके हम शहर से पकड़ते हैं। हाँ। आपके माथा का दर्द को। हाँ। आपके बीमारी को। हाँ। और शहर से लगभग कोसों दूर ले आके जंगल में छोड़ देते हैं सुरक्षा। अच्छा अच्छा, ठीक है। जितने सारे सांप पकड़ते हैं सबको जंगल में ही छोड़ते हैं। देख रहे हैं कैसा सांप है। कोई सवाल आप लोग के मन में है तो पूछ सकते हैं इसके प्रति, कुछ अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सांप दूध नहीं पीता है, कोई भी सांप। हाँ, दूध पिएगा तो उसको जॉन्डिस होगा, वो मर जाएगा। कोई भी सांप दूध नहीं पीता है, एकदम नहीं। बस ये हम लोग के जो है धार्मिक चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सांप जो बस दूध पिएगा, सांप जॉन्डिस होगा, वो सांप मर जाएगा। ठीक, ओके। देखिए जैसे धामन सांप है, ठीक है ना, धामन सांप को हमारा पर्यावरण प्रकृति में रहना बहुत जरूरी है। और सब सांप के बारे में तो नहीं बोलेंगे, जैसे जहरीला सांप है। हाँ। उसको घर से दूर ही हटवा दीजिए। हाँ। लेकिन धामन सांप, सुगवा सांप, सैकड़ा सांप, ढोड़वा सांप, और जो नॉन वेनमस सांप है, जितने सारे सांप है नॉन वेनमस, उसका हमारे पर्यावरण प्रकृति में, हमारे आसपास में रहना बहुत जरूरी है।
जैसे सैकड़ा जिसको साखर बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग बाथरूम में या किचन में वो सांप निकलेगा साखर, इतना को ही रहेगा, दो तीन बित्ता का रहता है, तो उसका फेवरेट जो भोजन होता है वो छिपकली है, तो किचन में और बाथरूम में ही मिलेगा ही मिलेगा, घर कितना भी साफ सुथरा रखिए वो सांप मिलेगा, सैकड़ा सांप। नाली में जो है आपका ढोरवा सांप, तो नाली में कितना मेंढक मिलेगा, ना के बराबर मिलता है, लेकिन एक नया रिसर्च में पाया गया है कि नाली में जितना जो अंडा होता है मच्छर का अंडा जो लार्वा होता है, तो ढोरवा सांप वो तो प्रोटीन हो गया ना अंडा, तो ढोरवा सांप उसको पी करके अपना जीवन को उपार्जन करता है। और जो अभी हमारे यहाँ ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक जिसको लोकल भाषा में यहाँ पे सारे कोई बोलते हैं सुगवा, तो वो क्या है, वो जो छिपकली होती है गिरगिट्टा जो बोलते हैं बड़ा वाला, वो उसका फेवरेट भोजन है। और एक हमिंग बर्ड जो होती है छोटा वाला ब्लू वाला जो पेड़ पे ऐसे ऐसे गिरता है, तो वो पेड़ पे खाती है, तो इसलिए ये सब जितने नन वेनमस सांप है उसको मारे नहीं, ठीक है, उसको भगा भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रसल्स वाइपर, रसल्स वाइपर हमारे साहेब जो बृहद पैमाने पे फैला हुआ है, ठीक है, अगर रसल्स वाइपर दिखते अगर यहाँ पे है तो आप तुरंत 10 फीट का दूरी बना लीजिए, एकदम 4 फीट तक जंप कर सकता है रसल्स वाइपर, पूरा बहुत, अभी पूरे साहेबगंज में गोहमन करेज से ज्यादा जो है रसल्स वाइपर, क्योंकि रसल्स वाइपर जो है एक बार में लगभग 35 से 40 बच्चा देता है, और अभी हमारे साहेबगंज के लिए खतरा की घंटी से ऊपर, खतरे के निशान से अगर कुछ ऊपर जा रहा है तो रसल्स वाइपर की जनसंख्या है, ठीक है, ठीक है भैया। कैसा लगता है देखने में सर? रसल्स वाइपर डिट्टू लगेगा अजगर के जैसा, कोई एक नजर देखता है तो पहले बोलता है अजगर ही है, ठीक है, लेकिन वो अजगर नहीं रहता है, उसको थोड़ा सा छेड़िएगा तो बिठुआ जो देखते हैं ना, बिठुआ माथा पे रखने वाला बोझा जा रख के, तो उसमें क्या वो गोल हो जाएगा, गोल होने के बाद और छेड़िएगा तो एकदम लगेगा कुकर सीटी मार रहा है, अच्छा, पूरा जोर जोर से कुकर के जैसा। उसका वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें, और शेयर भी वीडियो करें, कमेंट जरूर जरूर से जरूर कमेंट्स जरूर करें, ठीक है, धन्यवाद।